खबर इंदौर से है, जहां 28 जुलाई को जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। पुलिस के लिए ये केस बड़ी चुनौती था, क्योंकि डिलीवरी बॉय सुनील वर्मा की हत्या सुनसान इलाके में अंधेरे में हुई थी। आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगे थे, स्पॉट पर मोबाइल लोकेशन या मृतक की सीडीआर भी नहीं थी, और ना ही पुलिस को मुखबिर तंत्र से कोई मदद मिल पा रही थी। अब वारदात के 13 दिन बाद पुलिस ने पूरा केस ओपन कर दिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 4 नाबालिगों समेत 6 लोगों ने डिलीवरी बॉय को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्हें खाना चाहिए था। डिलीवरी बॉय सुनील वर्मा को देखते ही एक नाबालिग ने कहा, इसके पास खाना होगा। इसके बाद सभी ने मिलकर सुनील को पकड़ा और हत्या कर दी। बाद में यही नाबालिग पुलिस के हत्थे चढ़ा और पूरा राज खोल दिया। पुलिस की टीम ने हत्या की गुत्थी सुलझाना शुरू की। हत्या की लोकेशन के आसपास कोई कुख्यात अपराधी नहीं मिला। यहाँ से काफ़ी दूर सीसीटीवी लगे थे, इन्हें चेक किया तो कोई आते जाते नहीं दिखा। ऐसी स्थिति में टीम ने हत्या वाले इलाके को ही अपना ठिकाना बना लिया। भौरासला, कुमेड़ी, कांकड़, भांगड़ा और रेवती रेंज में लगातार 7 दिनों तक 200 से अधिक घरों में जाकर बात की। यहाँ से 48 बदमाशों की सूची तैयार की। पता चला कि ये सभी नशे के आदि हैं और नशा करने के लिए अपराध करते थे। लगातार निगरानी के दौरान पता चला कि एक बदमाश विशाल 3 दिन से घर नहीं आया है। वह भंडारे में ही खाना खा रहा था। यहाँ से वह उज्जैन कावड़ यात्रा में चला गया था। उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने का शौक था। उसने चाकू लहराकर नाचते हुए अपना एक वीडियो अपलोड किया था। पुलिस को विशाल पर शंका हुई। पुलिस विशाल की जानकारी जुटा रही थी। इसी दौरान एक भुट्टे की दुकान पर विशाल का किसी से विवाद हो गया। पुलिस को एक नाबालिग की जानकारी लगी जो विशाल का दोस्त था, तो पुलिस ने तत्काल नाबालिग को उठा लिया। पूछा कि वह विशाल को कैसे जानता है। सामान्य पूछताछ के बाद पुलिस ने उससे ही हत्याकांड के बारे में पूछ लिया। कुछ ही देर में वह टूट गया और उसने पूरी घटना पुलिस को बता दी। पुलिस के मुताबिक पकड़ाए हत्यारों में विशाल ने ही सुनील पर चाकू से हमला किया था। सभी 6 बदमाश सुनसान इलाके में खड़े थे। इसी दौरान जोमेटो बॉय सुनील का वहां से निकलना हुआ। यह नाबालिग ने भूख लगने की बात कही तो विशाल ने सुनील को रोक लिया। नाबालिग ने सुनील के मुंह पर रुमाल डाल दिया और विशाल व अन्य ने चाकू मारकर रुपए और खाने का बैग छीन लिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। 28 जुलाई 2022 की रात को सुनील पुत्र अमृतलाल वर्मा की चाकू मारकर कुछ बदमाशों ने लूट के इरादे से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। अधिकारियों ने मामले में 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बाणगंगा पुलिस ने इस मामले में विशाल पुत्र सोहन मेवाड़ा और अर्जुन पुत्र गंगाराम गुडराज सहित 4 नाबालिग को पकड़ा है। आरोपी इलाके के ही रहने वाले हैं और नशा करने के आदी हैं।